आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मुर्ग छोले। इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आप नोट कर लें। इसके लिए आपने चिकन ले लेना है 1 kg, चिक पीस या चने 250 ग्राम। चिक पीस में 1/2 teaspoon नमक डाल के इनको बॉईल कर लेना है। 2 बारीक कटी हुई प्याज, 1 कप टमाटो पेस्ट। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप 4 से 5 टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लें। 1/2 tablespoon जीरा, 1 teaspoon रेड चिली यानी सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 teaspoon हल्दी, मेथी दाना 1/2 teaspoon, 2 से 3 छोटी इलायची, 1/2 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon जिंजर पेस्ट, 1 tablespoon गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट आपको 1 टेबलस्पून चाहिए होगा। हाफ कप ऑयल दे देना आपने और चूल्हे की हीट फुल कर देनी है। साथ में ही आपने ये मेथी दाना और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। और जैसे इसकी खुशबू आने लगे तो उसके बाद आपने इसमें चिकन डाल देनी है। हमने इसमें अदरक लहसुन डाला था, उसका कलर चेंज हो चुका है और खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को आपने इस वक्त तक भूनना है जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी ये पिंक से वाइट नहीं हो जाती। चिकन भून चुका है और इसका जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें ये प्याज डाल देनी है और 1-2 मिनट इसको हम चिकन के साथ भूनेंगे ताकि ये प्याज नरम हो जाए। जब प्याज नरम हो जाए तो उसके बाद आपने ये टमाटो पेस्ट डाल देना है और साथ में ये 4 स्पाइसेस जिसमें नमक मिर्च हल्दी और छोटी इलायची है, ये आपने इसमें डाल देनी है। ये डालने के बाद आपने इसको इस वक्त तक भूना जब तक टमाटर का पानी नहीं खुश्क हो जाता और टमाटर अच्छे से भुन नहीं जाते। टमाटर भुन चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब आपने इसमें डाल देने हैं चने। चने डालने के बाद आपने चिकन के साथ इनको 1-2 मिनट अच्छे से भून लेना ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो चनों में आ जाएं। चने अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है और चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसमें जीरा और ये खुश्क धनिया इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको डिश आउट कर देना है। लीजिए मुर्ग छोले तैयार हैं। आप इसको नान या पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके मुर्ग छोले कैसे बने हैं।